वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो JVT टेट का एग्ज़ाम आज कंडक्ट किया था उसके GK सेक्शन को, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। हाँ, वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपके दोस्तों को भी इनके उत्तर जानने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया था एपिकल्चर क्या है। तो जो एपिकल्चर होगा तो ये होता है मधुमक्खी पालन से संबंधित। यहाँ पर जो 121 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 122, इसमें पूछा गया है ज्वार भाटा क्यों आता है। तो जो ज्वार भाटा आता है ये पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण होता है, ठीक है ना। क्या होता है? पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण ज्वार भाटा आता है। 122 का यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 123, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो ये होगा विकल्प बी NaHCO3। ये खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। 123 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालम में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर क्या है। तो ये होगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है ना। 124 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी का pH मान क्या होता है। तो जो पानी का pH मान होगा तो ये हो जाता है 7। 125 का सही विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला व्यक्ति चंद्रमा में कब गया था। तो ये गया था 1969 में। 126 का सही विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो ये हो जाएगा चंद्रमा। 127 का सही विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, सूर्य के प्रकाश की गति क्या है। तो ये हो जाएगा विकल्प ए। 128 का सही विकल्प ए हो जाएगा। आगे है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो ये की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कब की गई थी? 1897 में, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1885 में। इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। 130 का सही विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 डैश रबी फसल है। तो बताना है कि कौन सी रबी फसल होगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगी गेहूँ या वीट। 131 का सही विकल्प ए हो जाएगा। आगे है 132, चूना पत्थर को किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सीमेंट। 132 का सही विकल्प बी हो जाएगा। आगे है 133, किस देश की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूती है। तो ये छूती है नेपाल की। 133 का सही विकल्प सी हो जाएगा, नेपाल। आपके लिए प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपने बताना है नेपाल की राजधानी कौन सी होगी। अगला प्रश्न है 134, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से गुजरती है। अगला प्रश्न है 135, निम्न में से काली मृदा मुख्यतः पाई जाती है। तो बताना है कि काली मृदा कहाँ पर पाई जाती है। तो ये पाई जाती है गुजरात में। 135 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 136, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है। तो जो नर्मदा नदी है ये गिरती है अरब सागर में। ये जो प्रश्न था पिछले किसी टेट में पूछा हुआ था। तो देखिए प्रश्न रिपीट होते हैं, ठीक है ना, यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा। अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो जो फॉर्मिक अम्ल होता है या फॉर्मिक एसिड होता है ये चींटी के डंक में पाया जाता है। 137 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 138, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 22 मार्च को। और आपके लिए प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपने बताना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो जो दक्षिण गंगोत्री है ये शोध केंद्र है। यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा, 139 का। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। यहाँ पर 140 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है टोडरमल किसके राजस्व मंत्री थे। तो जो टोडरमल थे ये अकबर के राजस्व मंत्री थे, ठीक है ना। 141 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे है सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है।
तो जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात राज्य में स्थित होगा और इसे मोहम्मद गजनबी के द्वारा लूटा गया था। अगला प्रश्न है 143, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो ओणम त्यौहार है ये मनाया जाता है आपके केरल में। 143 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे है वास्को डी गामा भारत कब पहुँचा था? तो ये पहुँचा था 1498 में। 144 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो स्वर्ण मंदिर होगा ये अमृतसर में स्थित है और सिखों से संबंधित है ये, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 146, विद्युत धारा उत्पन्न करने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं जनरेटर, ठीक है। यहाँ पर जनरेटर लिखा है, जनरेटर होगा ये। 146 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान डैश मीटर सेंटीमीटर है, क्या होगा यहाँ पर 147 का? तो ये होगा विकल्प ए 9.8। अगला प्रश्न है जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये प्रश्न मुझे लगता है बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया होगा। अधिकतर बच्चों ने सोचा होगा जंतर मंतर सिर्फ दिल्ली में है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि दिल्ली में ही जंतर मंतर नहीं है, ये आपके जयपुर उज्जैन में भी होगा। यहाँ पर ए बी सी तीनों ही सही हो जाएंगे, इस कारण विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। उपरोक्त सभी स्थानों पर जंतर मंतर होगा। 148 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो ये है उपयुक्त सभी के लिए, किस किस के लिए? सोचने के लिए, हृदय की धड़कन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, ये सभी के लिए उत्तरदायी होता है मस्तिष्क। डी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला प्रश्न है मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है रेटिना में। 150 का सही विकल्प डी हो जाएगा, दृष्टिपटल या रेटिना, ठीक है ना।